तमामी मीडिया वालों को और शहर की आवाम को पता है कि 15 करोड़ रुपया हुकूमत महाराष्ट्र ने इससे पहले की सरकार ने दिया था और उसी फंड से शहर भर में अलग अलग इलाकों के अंदर सीमेंट कंक्रीट रास्ते का काम शुरू है और नेशनल पेट्रोल पंप के पीछे का काम मुकम्मल हुआ। आज मिलन बेकरी अक्सा कॉलोनी जनता कॉलोनी तक सीमेंट कंक्रीट का 60 लाख रुपए से रास्ते का भी उद्घाटन हुआ है और ये कंक्रीट रास्ता तामीर होगा, आला क्वालिटी का तामीर हो रहा है और इस इलाके की आवाम की डिमांड है क्योंकि पीछे जो बस्ती है रमजानपुरा दयाने में वो बहुत गुंजान बस्ती है, गरीब बस्ती है, कोई सहूलत नहीं है। इसके लिए आज तमामी माँ बहनों ने, तमामी इस इलाके की आवाम ने मुझसे वापस डिमांड किया है और कहा है कि भाई रास्ता थोड़ा और अंदर तक ले जाए। मैंने उनको यकीन दिलाया हूँ कि ये रास्ता मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, 2-3 महीनों के बाद जरूर हम लोग फंड का इंतजाम करके वो रास्ते को भी मुकम्मल करेंगे और सरदस्त क्या उनको सहूलत हो सकती है उसके लिए हम लोग कॉरपोरेशन से बात करेंगे, पीडब्ल्यूडी से बात करेंगे और उनको राहत देने का काम हम लोग करेंगे। और इसके बाद में ये बाजू का रास्ता है, इसका भी अभी कंक्रीट का रास्ते का काम का उद्घाटन होगा। ये काम मुकम्मल होने के बाद खातून डीएड कॉलेज पाट पंजतन चौक उसका भी इफ्तिदा होगा, उसके बाद बाकर मस्जिद रमजानपुरे के अंदर भी इफ्तिदा होगा। इस तरीके से 15 करोड़ रुपए का जो कंक्रीट सीमेंट रास्ते के लिए हमने जो फंड लाया था वो काम कंप्लीट हो गए और मैंने इससे पहले भी कहा, आज दोबारा बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह हुकूमत बदलने से काम करने वाले शख्सों को फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि कानून के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक हम लोग फंड लाएंगे और शहर का जिस तरीके से शेख रशीद साहब की क्यादत में हम लोग बरसा बरस से ये शहर का डेवलप कर रहे हैं, तामीरी काम कर रहे हैं, ये करते रहेंगे। आप लोगों ने देखा कि हमने अभी आगरा रोड का सेकंड फेज मुकम्मल हो रहा है फारन हॉस्पिटल तक, हमने इशारा दिया था कि हम लोग एहतजाज करेंगे, आज के हमने टाइम दिया था, लेकिन कमिश्नर ने कल वादा किया कि 16 करोड़ रुपए हमने बजट में तरतूत किया है, टेंडर निकाल रहे हैं, लेकिन सरदस्त देवी के मल्ले के अंदर जो आवाम को तकलीफ हो रही है वो कल से काम, जो भी दुरुस्ती वगैरह होगी कल से काम शुरू होगा और तामीरी काम करते रहेंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा लक्ष्य है। ऐसा है कि ओहदा रहना नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंड मंजूर करवाना, चाहे कॉरपोरेशन से फंड मंजूर करवाना, चाहे हुकूमत से फंड मंजूर करवाना, इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है और मुझे उम्मीद है कि काम करने वाले इंसान को कोई चेयर की जरूरत नहीं होती है, हम लोग काम करते रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि शहर की आवाम अगर कोई इलेक्शन में हम खड़े रहते हैं और ताकत देती है और अगर अपना नुमाइंदा बनाकर भेजती है तो मजीद हम लोगों को ताकत मिलती है, काम करने में आसानी होती है। लोगों को नफा पहुंचाए, अवामुल नास ने अवामुल नास को जो है तो नफा पहुंचाई है, असल दुनिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है राहत वाला काम अभी अपना शुरू हो गया है, अल्लाह ताला इसको कम्प्लीट भी करेगा, इससे कोई दो राय नहीं है। रह गई एक आदमी के अंदर ये बात के अब अल्लाह का शुक्र अदा करे और हदीस में आता है कि जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता है। हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया मिसका शरीफ की आदमी, इसलिए हम जो भी कारपेंटर हमारे जो भी है, हमारे जो अमदर साहब है, ये जो भी है, ये करने वाले जो है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे इस मामले का। शेख आसिफ साहब जो काम के लिए जो फंड लाना सबके बस का काम भी नहीं है। आज की हुकूमत रहकर उसके बाद वहाँ से फंड लाना मालेगांव के लिए, वो भी मालेगांव में जो सुरक्षा हो चुका है सब उनके लिए रजिस्टरों के अंदर, वहाँ से उनके लिए फंड लाना मुसलमानों की तादाद जहाँ पर ज्यादा है, इसलिए बहुत सबके लिए सबके बस का काम नहीं। देख रहे हम जो हमें आमदनी बने लोग और उसके बाद देखने के बाद में सब खामोशी अख्तियार किए, यहाँ पर लाया भी गया बाद लोगों ने, लाने के बाद उनको क्या जवाब मिला है अच्छी तरह सबको मालूम।
बोले ये मेरा एरिया नहीं है, इसको बेचारे बोले ये जो है तो कॉरपोरेशन करेगी बोले, या तो फिर बोले दादा भूसे करेंगे बोले, ये बात बोल के निकल गए। आज तक नहीं आए, आया कौन सामने? शेख आसिफ साहब भाई, भाई के नहीं आए सबके सामने, शेख आसिफ साहब आए ना। और ये जो है हम अपने एतबार से जितना ढिढाई जिनसे बात कर लेते हैं दूसरे से नहीं कर पाएंगे ये अधिक न्याय, और जितनी ढिढाई से हम इनको समझा सकेंगे बोलेंगे, ये हमको समझा सकेंगे दूसरे को हम बोल भी नहीं सकेंगे। इतनी बात तो ये 100% सही है सबके सामने, इसमें कोई पानी मिलाने की बात नहीं है। इसलिए हम साहब का भी शुक्र अदा करते हैं, अब काम करने वाले जो कारपोरेटर हजरात है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने की सलाहियत अता फरमाए और उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم احفظنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، رحم کا کرم کا آسانیوں کا معاملہ عطا فرما، کرم کا عطا اور اپنا محبت کا معاملہ عطا فرما۔ پروردگارا جس اس کام کی شروعات ہوئی ہے تیرے نام کے ساتھ ہوئی ہے، جو لوگ اس کے اندر دامے درمے قدمے سکنے جن لوگوں نے اس پلان کو لایا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کیا، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما، امت کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما، اللہ ان کے کاموں کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کے حوصلوں کو بلند فرما، اور اسی طرح اللہ عوام الناس سے ان کی محبت کو تا حیات قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی محبت میں چلنے کی توفیق عطا فرما، پوری دیانتداری سے امت کو بھی اس کے کام کے اندر ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرما۔ محض اپنے فضل کرم سے ہماری ان دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔